गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज भगवती महामाया दक्षिण काली का की साधना देने जा रहा हूं और बड़े ही बोल्ड अक्षरों में मैंने लिख रखा है दक्षिण काली महामंत्र दक्षिण काली के बारे में ऐसा एक भ्रामक तथ्य है कि ये तांत्रिकों की देवी होती है लेकिन दक्षिण काली और स्मशान काली में अंतर होता है ठीक है वो क्या अंतर होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथ में आपको वो मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र से आप उनकी साधना कर सकते हैं और ये मंत्र वैदिक होने के बाद भी भैरव जी के द्वारा उच्चारण करने के बाद भी स्वसिद्ध मंत्र है जैसे साबर मंत्र को स्वसिद्ध मानते हैं वैसे ही इस मंत्र को भी स्वसिद्ध मानते हैं भगवती काली आपसे जितना पूजा लेना चाहती है वो ले लेती है और ये इसका मैं साक्षात प्रमाण हूं आप अगर आज इस वीडियो को सुन रहे हैं या फिर आज अगर आप प्रेरित होंगे इस मंत्र को करने के लिए इसका मतलब है कि भगवती आपसे सेवा लेना चाहती है भगवती इतनी प्रत्यक्ष है मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता दो अनुभव बताता हूं एक बार मैंने सोचा कि भगवती के का एक लॉकेट बना के गले में धारण करूं तो मैं सुनार के पास गया उसको बोला कि एक अच्छा भगवती काली की का लॉकेट मुझे बना करके दो और थोड़ा मुझे घमंड था शायद उस समय पैसे का <laughs> तो मैं ये बोल करके आया उसने बहुत सारे लॉकेट दिखाए मैंने मुझे पसंद नहीं आया मैंने बोला तुम कलकत्ता से स्पेशल डाई मंगवा के मेरे लिए एक लॉकेट मंगवा बनवा दो उस दिन मैं आया दोपहर तो का समय था घर में बैठा हुआ था अपने सोफा पर और मेरे घर में कहीं से घर का के अंदर की बात है दरवाजा बनता एक छोटी कन्या आई और मुझे बोला कि माँ भगवती काली का लॉकेट गला में पहनने का नहीं, नहीं पहनने का <laughs> और वो अंतर ध्यान हो गई और मैं मुग्ध हो गया मतलब पांच छह मिनट तक मुझे अपने शरीर का आभास नहीं रहा और अभी हाल की बात है मैं सोच रहा था कि भगवती की एक साधना मैं करूंगा तो मुझे ऐसा फिर से भगवती का मैसेज आया कि भगवती की आपको साधना नहीं करनी है अभी माँ काली की साधना की आपको और अभी आवश्यकता नहीं है ये बात अब आते हैं दक्षिण कालिका के विषय पे दक्षिण कालिका किसे कहते हैं मैंने कई बार वर्णन किया है और मैं अपने ज्ञान को हमेशा इम्प्रोवाइज करता हूँ आप लोगों के साथ साझा करता हूं अभी जो दक्षिण काली और स्मशान काली में मुख्य अंतर यह है कि दक्षिण काली दक्षिण के साथ है जब मैं बोलता हूं दक्षिण के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दक्षिण दिशा के साथ है लेकिन महाकाल संहिता जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि दक्षिण पुरुष को बोलते हैं मतलब शिव भैरव और जो वामा है वो भगवती को बोला जाता है ठीक है ना तो मैं पहले भी जब बोलता था जो गुरु मंत्र भी बोलता था गुरु का पूजन भी बोलता था उसमें भी मैंने बोलता था कि वामे न उत्पन्न ध्यान शक्ति आलिंगत विग्रह मतलब वामे जो शक्ति को धारण करते हैं तो जब भगवती यानी वामा जब दक्षिण से मिलती हैं तो उसको दक्षिणा काली बोलते हैं तो दक्षिणा काली जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नीचे भैरव है मतलब दक्षिण और उस पर काली आरूढ़ है तो वामा आरूढ़ है तो जब दक्षिण और वामा साथ में होते हैं तब उसको दक्षिण काली का बोलते हैं मतलब दक्षिण का मतलब भैरव और उस पर आरूढ़ हो गई दक्षिणानंद निगम हो गई तो वो हो गई दक्षिणा काली दूसरा भगवती कृष्ण वर्णा होती है तो जब भी भगवती का हम ध्यान करते हैं तो हृदय में जो दक्षिण कालिका भैरव के ऊपर है और रत्नों का आसन स्मशान में है जब हम स्मशान बोलते हैं तो मशान या स्मशान से हमको ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक शरीर को जलाने का जगह नहीं है वो वो जगह है जहां पर लोग जहां से आए हैं वहीं विलुप्त तो हो जाते हैं तो जो बहुत वाम मार्गी तंत्र है उसमें जो चिता होती है उसको ही कुंड माना जाता है ठीक है तो उसी में भगवती आरूढ़ है रत्नासन पर और वो वामा इसलिए है क्योंकि उनका वर्ण काला नहीं है जैसे हम लोग काली बोलते हैं क्योंकि काला वर्ण है काला वो रंग होता है जो हमें दिखाई नहीं देता या वो एक ऐसा रंग है जिसमें कि सब रंग मिला हुआ होता है ठीक है कपूर आदि स्त्रोत्र है उसके जो रचेता है विमला नंद उन्होंने एक विषय लिखा था जिसमें उन्होंने बोला कि दक्षिण कालिका का तेज इतना है कि आप उनको देख ही नहीं सकते और क्योंकि आप उनको देख नहीं सकते हैं इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि वो काले वर्ण की है इसका वर्णन मैंने भी पहले किया था तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जब आप भगवती के बारे का जाप करो तो भगवती का जो आ, रूप है जिसका आप जाप करें वो आपके हृदय पटल पे होना चाहिए भगवती का ध्यान हृदय पे होता है तो हृदय पर आपका वो मानचित्र होना चाहिए तो भगवती जो है वो काले रंग की है श्याम वर्णा है त्रिनेत्रा है और जो ऊपर का नेत्र होता है ललाट पे उसके नीचे अर्धचंद्र लगा रहता है ठीक है जब हम जाप करते हैं दक्षिण कालिका का तो जो तीनों नेत्र है उसका बीजाक्षर का भी ध्यान करते हैं लेकिन उतना आप ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि जो नॉर्मल ध्यान है वो भी हट जाए अब क्या है कि भगवती के बारे में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीजों का वर्णन है लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कालांतर में हर किताब का हर तंत्र का कुछ ना कुछ विधान जो है वो विलुप्त तो हो चुका है तो जब आप पांच-छह किताबों को पढ़ते हैं किसी तंत्र के बारे में तो आपके पास सार आता है कि अच्छा ये जो तरीका है ये सही होगा और उस पुस्तक में ये एक विषय जो है वो अछूता रह गया ठीक है अब आते हैं मंत्र पर तो भगवती का मंत्र जाप चाहे तो आप मानस पटल पर भगवती का ध्यान करें या फिर आप एक भगवती की तस्वीर अपने पूजा स्थान पर रखें उनको लाल पुष्प चढ़ाएं नहीं है लाल पुष्प तो दीपक तस्वीर नहीं है तो दीपक पर लाल पुष्प चढ़ाएंगे दीपक घी का होगा जब आप घर में पूजा कर रहे हैं अगर किसी मंदिर में कर रहे हैं तो फिर आप पीला सरसों का प्रयोग कर सकते हैं और अगरबत्ती धूप और लाल फल और नवेद इतना लेकर के आप जाप कर सकते हैं नवेद में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं सुबह अगर जाप कर रहे हैं आप सुबह की पूजा में तो रुद्राक्ष की माला सूर्यास्त के बाद जाप करेंगे तो स्पटिक की माला भैरव से माँ भगवती पार्वती ने पूछा कि आप मुझे महाकालिका महामंत्र बताइए तो भगवती को भैरव जी ने बताया कि महाकालिका देवी जो है वो मंत्रमयी है तो उनके अनेक मंत्र हैं और महाविद्या महामाया महायोगेश्वरी सर्व विद्याधारी सर्व विद्यादाय है ठीक है तो इनका मंत्र भी बहुत विशेष है तो इनके मंत्र का वर्णन उन्होंने किया कि तीन काम बीज मतलब क ठीक है उसके साथ वहनी बीज रॉ को वहनी बीज बोलते हैं उसके साथ रति का बीज लगता है मतलब ईकार और बिंदु तो क्या हो गया क्रिम तो पहला बीज अक्षर क्रिम भगवती का उसके बाद दो कुर्च बीज कुर्च बीज किसको कहते हैं यह पहले भी बताया है को कुर्च बीज कहते हैं और उसके बाद लज्जा बीज मतलब रिम फिर भगवती का नाम दक्षिण दक्षिण कालिके तो जब मंत्र हम लोग बोलते हैं ना तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि दक्षिण कालिका बोलते हैं तो ये गलत है भगवती का नाम है दक्षिणे कालिके मंत्र में ठीक है और फिर ये जो शुरुआत का बीज अक्षर है उसको हम लोग रिपीट करते हैं तो क्या मंत्र हो जाता है मंत्र हो जाता है क्रिम 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 हुम हुम दक्षिण के क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम स्वाहा क्या है मंत्र मंत्र है क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम दक्षिणे काली के क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम स्वाहा कितने सारे पूरे अक्षर हुए बत्तीस अक्षरों का ये महाविद्या मंत्र है और ये भगवती काली का जितना मंत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र है शुरुआत होता है काम बीज से फिर उसमें वहनी बीज है फिर उसमें रति बीज है फिर उसमें मतलब ये क्रिम हो गया फिर कुरुच बीज आता है जो हुम होता है फिर लज्जा बीज मतलब भ्रिम इतने बीज अक्षर उसके बाद नाम दक्षिणे काली के, फिर जो सात बीज शुरुआत में लगाते हैं उसको वापस फिर से पढ़ते हैं और अंत में स्वाहा बोलते हैं तो मंत्र तीसरी बार सुनिए क्रिम 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 हुम हुम रिम रिम, काली के क्रिम 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 हुम हुम रिम, स्वाहा आप लोगों को मैं जब भी कोई मंत्र देता हूं तो उसमें उस मंत्र का मैं आप लोगों को पूरा विधान बताता हूं मतलब उसका कर्नयास क्या होगा उसका मतलब जितना विधान है सब विधान मैं आपको बताता हूं लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें इसका जब वर्णन किया भैरव जी ने तो उन्होंने बताया है कि यह एकमात्र ऐसा बीज है जिसमें आपको किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है रुद्र चंडी तंत्र है उसमें जो वर्णित है उसके अनुसार ये जो बत्तीस अक्षर का मंत्र है इसमें सिद्धि साध्य मित्र अरी विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती किसी भी पर प्रकार के अनुष्ठान या शारीरिक कष्ट उठाकर इसको जाप करने की आवश्यकता नहीं होती इस मंत्र को सिर्फ पढ़ लेने से इस मंत्र का पूर्ण लाभ होता है यह बहुत रेयर मंत्र है क्योंकि में सारे मंत्रों को महादेव ने किलित कर रखा है लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जिसकी आप साधना करोगे तो आपको भगवती भगवती दक्षिणा काली की कृपा और हो सकता है आगे चल के दर्शन भी प्राप्त हो आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन उसमें जो साधना का शुरुआती विषय है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ जैसे आसन बंधन दिशा बंधन मंत्र यंत्र तंत्र बनाना और उनका प्रयोग जिनको डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल वी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें रुद्रनाथ एट सी फोर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा और जानकारी के लिए डब्ल्यू है आज के लिए इतना ही माँ भगवती दक्षिण काली का आप सभी को धन संपन्न से परिपूर्ण करें ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश